मध्य प्रदेश के खरगोन में 7 नए कोरोना पॉजिटिव आए हैं। नगर पालिका CMO की मैट भी संक्रमित पाई गई है, जिससे नगर पालिका में हड़कंप मच गया है। CMO सहित कर्मचारियों और परिवारों के सैंपल लिए जाएंगे। जिले में अब संक्रमितों की संख्या 227 हो गई है। खरगोन जिला मुख्यालय पर 7 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी निशिकांत शुक्ला की मेट भी संक्रमित पाई गई है। 5 खरगोन शहर में, 1 महेश्वर और 1 बेड़िया का है। कोरोना पॉजिटिव DRP लाइन पुलिस में 1 और महेश्वर में 9 साल की बालिका की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने से प्रशासन की चिंता बढ़ गई। जिले में अब कुल 227 कोरोना के संक्रमित हो गए। 14 की मौत हुई है, 47 मरीज स्थिर हैं और 166 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए। कोविड जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर दिव्यांश वर्मा ने इस बात की पुष्टि की। कल रात को एक लिस्ट आई थी जिसमें 7 पॉजिटिव थे, जिसमें से 5 अपने खरगोन के हैं, 1 बेड़ियाओं का है और 1 महेश्वर का है। तो टोटल अपनी संख्या हो गई है पॉजिटिव की 227, जिसमें 170 रिकवर हो चुके हैं, 14 की डेथ है और 8% अपने पास 43 केस एक्टिव हुए। हाँ, ऐसे खबर लगी कि एक उनके यहाँ पर जो काम करती बैठी थी वो भी पॉजिटिव आई है। अब उसके कांटेक्ट में कितने लोग हैं, हमारी जो टीम है वो गई है, सबकी ट्रेसिंग करके जिनका जो कांटेक्ट में रहा है सभी के सैंपल लेके जांच के लिए। तो मुझे इसके बारे में कोई खबर नहीं थी, आज देखेंगे जो जो कांटेक्ट में रहे उनके कांटेक्ट ट्रेसिंग करके सबके सैंपल लेंगे। कर्मचारी बहुत काम उनके यहाँ थे कि नहीं थे ये पता नहीं, और वो कांटेक्ट ट्रेसिंग से ही पता चलेगी कितने लोग वहाँ पर थे, कितने लोगों ने खाना खाया है और कहाँ कहाँ वो काम करने के लिए जाती है, उसकी जानकारी भी लेना पड़ेगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।